दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छी से अच्छी SCPs पे वीडियोस बना के दूं, और आपने उन बोरिंग वीडियोस को देखा भी। हमने आज तक इस चैनल पे काफी SCPs को डिस्कस भी किया है, जैसे कि कुछ ऐसे SCPs जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हमने कुछ ऐसे SCPs के बारे में भी जाना जो कि कम खतरनाक थे, या फिर ऐसे SCPs जो कि हमारे लिए हेल्पफुल साबित हुए, या फिर ऐसे SCPs जो कि हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते थे। हमने अजीब से अजीब SCP देखा और हमने देखा डरावने से डरावना SCP भी। लेकिन आज हम जिस SCP के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ये सही में काफी ज्यादा अजीब SCP है, और मैं थैंकफुल हूँ हमारे ही चैनल के एक व्यूअर का, जिन्होंने इस SCP को कमेंट करके मुझे सजेस्ट किया। और जब मैंने इस SCP के बारे में जाना तो सही में मुझे ये काफी अजीब लगा, और सही में मुझे ये SCP काफी यूनिक लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये SCP बस एक 7 से 8 महीने का सिर्फ एक छोटा सा बच्चा है, और उससे भी चौंका देने वाली बात ये है कि ये SCP एक कीटर क्लास ऑब्जेक्ट है। तो चलिए जान लेते हैं SCP-734 के बारे में, एक ऐसे छोटे से बच्चे के बारे में जिसको SCP फाउंडेशन को कीटर क्लास ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना पड़ा। SCP-734 एक इंसानी बच्चा है जिसकी उम्र 7 से 8 महीने तक की है। SCP-734 की डेवलपमेंट और हेल्थ किसी आम 7 से 8 महीने के बच्चे की तरह ही है। इस बच्चे में ना ही कोई इन्फेक्शन, ना ही कोई एबनॉर्मल जेनेटिक म्यूचुएशन, और ना ही कोई सेल्यूलर डिसऑर्डर पाया गया है। और तो और, इसकी ह्यूमन टिश्यू पर होने वाले असर का कोई भी कारण पता नहीं चला है। अगर कोई भी मनुष्य SCP-734 के साथ कांटेक्ट में आता है तो उसका ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है। आमतौर पर ऐसा SCP-734 से स्किन टू स्किन कांटेक्ट होने पर ही होता है, लेकिन SCP-734 के लिविंग सेल्स के कारण भी ऐसा हो सकता है। सब्जेक्ट में फ्लेकिंग SCP-734 के साथ एक्सपोजर के 2 घंटों के बाद शुरू हो जाती है, और 0.5 mm पर मिनट के स्पीड से ये फ्लेकिंग पूरी बॉडी में फैलती चली जाती है। अब फ्लेकिंग का मतलब टूटकर बिखर जाना होता है, और ये फ्लेकिंग क्यों होती है किसी को भी नहीं पता, क्योंकि ये चीज कोई भी वायरल, बैक्टीरियल या फिर केमिकल से नहीं होती है जो कि SCP-734 रिलीज करता है। सर, मैंने सब कुछ टेस्ट किया, SCP-734 वायरल बैक्टीरियल सर कुछ भी नहीं, सर पता ही नहीं चल रहा है किससे सर ये सब इन्फेक्शन फैल रहा है, आप कुछ कीजिए ना सर। कुछ तो गड़बड़ है दया, एक काम करो, पता लगाओ, पूरा कंटेनमेंट एरिया छान मार लो, कोई तो ऐसी चीज होगी जिससे कि ये इफेक्ट दूसरे लोगों पर हो रहा है। SCP-734 कुछ तो ऐसी चीज करता ही होगा। जी सर, अभी ऑर्डर करता हूँ सर, अभी हम सारा छान मार लेंगे और फिर पता लगाते हैं कि क्या निकल के आता है। सेल्स अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ लूज करना शुरू कर देते हैं और स्मॉल पैचेस में टूटने लग जाते हैं। फ्लेकिंग हमेशा उसी लेयर से शुरू होती है जिस लेयर से SCP-734 कांटेक्ट में आता है, मोस्ट कॉमनली एपिडर्मिस ही वो लेयर है। अब हमारे स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर ही एपिडर्मिस है। SCP-734 का इफेक्ट इस लेयर को लगातार 5 घंटों तक अटैक करता रहता है। उसके बाद ये इफेक्ट एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर्स को भी इफेक्ट करना शुरू कर देता है, और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहती है जब तक ये इफेक्ट सारे टिश्यूज में फैल नहीं जाता। ये प्रोसेस काफी दर्दनाक होती है, और ये और भी ज्यादा दर्दनाक बन जाती है जब ये इफेक्ट फैलता हुआ नर्व टिश्यू, ब्लड वेसल्स, मसल टिश्यूज और स्केलेटल स्ट्रक्चर्स तक पहुंच जाता है। इस इफेक्ट को रोकने का कोई भी विकल्प मौजूद नहीं है। हालांकि जो इससे अफेक्टेड है उसे काटा जा सकता है, जिसमें सक्सेस रेट 72% बताई जाती है। हाँ मियाँ, मैं SCP फाउंडेशन का डॉक्टर होते मियाँ। देखो, अभी ये इफेक्ट तुमको लग जाता ना SCP-734 का, तो इससे कोई भी चारा है बचने का नहीं है मियाँ। अपने हाथ पैर कटवा लो, और 72% रेट होता सक्सेस रेट, तुम बच गया तो ठीक है, नहीं तो फिर टपक जाएगा मियाँ।
SCP-734 के खून के नॉन इन्फेक्शियस नेचर की वजह से और लो रेट ऑफ सर्वाइवल के कारण खून की वैल्यू काफी अधिक है। SCP-734 के खून पर रिसर्च करने के लिए और फाउंडेशन में इसे कहीं और यूज करने के लिए आर्टेरियल कैथेटर को इंस्टॉल किया गया है ताकि इसकी कांस्टेंट सप्लाई बनी रहे। SCP-734 अपनी उम्र से काफी चालाक और समझदार है, जिस वजह से SCP-734 को ट्रेन किया जाएगा और SCP फाउंडेशन के ऑपरेटिव में भी रखा जाएगा, लेकिन उसे पहले मैच्योर होना होगा और उसके बाद ही उसे रिव्यू के लिए भेजा जाएगा। तो अब जान लेते हैं SCP-734 के कंटेनमेंट प्रोसीजर्स के बारे में। SCP-734 के कंटेनमेंट एरिया में जाने वाले हर स्टाफ मेंबर को एक एटमॉस्फेयर हैजमेट सूट पहनना होगा। किसी का भी SCP-734 के साथ कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो स्टाफ मेंबर को तुरंत वहां से निकालना होगा और उसे क्वारंटीन करना होगा ऑब्जर्वेशन के लिए। हर चीज जो कंटेनमेंट एरिया से बाहर जाती है उसे स्टेरिलाइज करना होता है। स्टेरिलाइजिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें कि चीज पे लगे हुए जर्म्स को पूरी तरह से मार दिया जाता है और उसे पूरी तरीके से क्लीन कर दिया जाता है। SCP-734 का खून हर रोज कैथेटर के द्वारा निकाला जाता है। इसकी मात्रा हर महीने बदलती रहती है। कैथेटर को दिन में 3 बार साफ किया जाता है और खून को निकालने के तुरंत बाद ही सील्ड कंटेनर में भरा जाता है और उसे स्टेरिलाइज करके स्टोरेज में भेज दिया जाता है। खून को ज्यादा से ज्यादा 5 सालों तक ही रखा जा सकता है। उसके बाद SCP-734 के खून को नष्ट कर दिया जाता है। खून को इस्तेमाल करने से पहले रिक्वेस्ट सबमिट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो तुम सुनो मेरी बात, SCP-734 एक छोटा सा बच्चा है लेकिन उसका खून काफी ज्यादा कीमती है। वो क्या है ना बेटा, क्योंकि SCP-734 का खून काफी जानलेवा है, इसलिए अगर कोई भविष्य में नया SCP ढूंढेंगे तो उसके ऊपर ये डाल देंगे हैं? का तो ये ब्लड उसको मार डालेगा या फिर उसको कमजोर कर डालेगा। वो क्या है, कंटेनमेंट के लिए आसान रहता है उसकी, इसीलिए ये सब जमा करना पड़ता। SCP-734 की देखभाल भी करी जानी चाहिए क्योंकि वह 1-7 से 8 महीने का बच्चा ही है। एक मेंबर को फुल हैजमेट सूट में भेजा जाता है ताकि वो उसे गोदी में लेकर लोरी सुना सके। SCP-734 के न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स भी रिव्यू की जाती है और हर महीने उसे बदला जाता है। यहाँ तक कि SCP-734 को खिलौने भी दिए जाते हैं ताकि SCP-734 उसे खेल सके। लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, साला बस यही दिन देखना बाकी था। SCP फाउंडेशन में जॉब किस ले लिया था, बच्चों को लोरी सुनाने के लिए। साला मेरा तो जिंदगी डिस्ट्रॉय हो गई। मेरा पत्नी सोचता है कि मैं इधर बड़े बड़े SCP को पकड़ता हूँ, लोगों को बचाता हूँ, इधर आके देखेंगे तो कैसा लगेगा, SCP को गोद में लेके लोरी सुनाता है। SCP-734 को एक हॉस्पिटल से रिकवर किया गया था जब मैसिव आउटब्रेक की रिपोर्ट सामने आ रही थी। फाउंडेशन ने उस हॉस्पिटल को तुरंत क्वारंटीन कर दिया और हॉस्पिटल में कुछ नर्सेस, 4 डॉक्टर्स और 1 बच्चा मिला जो कि SCP-734 के इफेक्ट से पीड़ित थे। SCP-734 को स्टाफ के इंटरव्यू के बाद कंटेन कर लिया गया और SCP-734 की माँ कौन थी उसके कोई भी रिकॉर्ड्स हॉस्पिटल से नहीं मिल पाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना SCP-734 के बारे में, 1-7 से 8 महीने के बच्चे के बारे में जो कि एक कीटर क्लास ऑब्जेक्ट है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। और दोस्तों आप हमारे इस चैनल के इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। हमारे इस चैनल के इंस्टाग्राम हैंडल पर भी मैं कुछ फ्यूचर अपडेट्स के बारे में भी रिवील करता रहता हूं, तो आप इस चैनल के इंस्टाग्राम हैंडल को भी चेक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपको मुझे कोई सजेशंस या फीडबैक देने हो तो आप कमेंट्स के जरिए मुझे जरूर बता सकते हैं
और दोस्तों मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि मैं सिर्फ आपके सजेस्टेड SCPs पे ही वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों आप अपना फेवरेट SCP नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पे एक वीडियो लाने की। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।